नमस्कार, शेयर बाजार लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं डिंपी कालरा। और मैं हूं अनीशा नायर धवन। आज काफी सारे खबरें हैं दिन का शुरुआत करने के लिए, और आईपीओ मार्केट में भी काफी हलचल है, तो वी गॉट लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू। खैर, इससे पहले आपको बधाई जरूर देना चाहेंगे। आज नवरात्र है और नवरात्र के शुभ अवसर पर उम्मीद करते हैं आप सेहतमंद रहें, आप बेहतर ट्रेड करें, अच्छा मुनाफा कमाएं और आपका स्वस्थ जीवन हो, सुखी जीवन हो, सम्मानित जीवन हो। अच्छा, कुछ और खबरों वाले शेयर्स भी हैं, जरा ब्रजेश आप मेरे को ना जल्दी से बताइएगा इन सब शेयर्स पे करना क्या है। एक तो मैक्स फाइनेंशियल, ये पहले HDFC के साथ जाना चाहता था, नहीं गया। अब खबर ये है कि शायद कोटक महिंद्रा और AB ग्रुप कुछ इसमें हिस्सेदारी खरीद सकता है, ये बस है मार्केट के अंदर। मैक्स फाइनेंशियल चलेगा, 600 के ऊपर है। देखिए, मैक्स फाइनेंशियल की बात करें तो लास्ट दो वीक से मैं आप ही के शो पे इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मैंने करीबन 610 या 615 के आसपास में इसको रिकमेंड किया था विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 600 ऑन अ डेली चार्ट। इट हैज फॉर्म अ हायर टॉप फॉर्मेशन विच इज गिविंग अ बुलिश साइन। 645 वॉज माई इनिशियल टारगेट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। किसी का व्यू थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करें तो 660-665 का लेवल देखने को मिल सकता है, और मेरा मानना ये 6 महीने के अंदर 720 के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा सर लगभग 635 का है, तो कोई डिप आता है 625-628 आता है तो एक बार बाई करने की सलाह रहेगी। 615 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए, और जैसे मैंने जो टारगेट इनिशिएट किए हैं तो अगर शॉर्ट टर्म है तो 665, लॉन्ग टर्म है तो 720। प्रशांत, जो PSU बैंक से इलाहाबाद बैंक, साउथ इंडियन बैंक, इन पे कोई व्यू है? देखिए, PSU बैंक्स के ऊपर हमारी थोड़ा अवॉइड रेटिंग ही रहता है, लेकिन कल हमने SBI के ऊपर बाय कॉल दी थी अपने क्लाइंट्स को, तो SBI 270 के लेवल के ऊपर कल बंद हुआ है, और हमारा शॉर्ट टर्म के अंदर टारगेट है कि SBI करीबन कोई 282 रुपये तक जा सकता है, और नीचे की तरफ हम लोग 265 का स्टॉप लॉस लगा के SBI के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, SBI भी अब थोड़ा बुलिश है। एक बैंक ऑफ बड़ौदा, और देखिए ब्रजेश जल्दी मेरे को बताइएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ खरीदारी हुई है मेरिल लिंच की तरफ से, और ये 3.5% हिस्सा है जो कल बाय हुआ है 147 के रेट पे, आज चलेगा क्या? जिस हिसाब से मूवमेंट दिया है चार्ट में, लगता तो है कि ये ऊपर चलेगा। नीचे में 141-142 का सपोर्ट है। आई विल से दैट 146-147 आता तो एक बार बाई कीजिए विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 141। अपसाइड वुड बी 152। एनी थिंग अबाउट 152 अगर ये सस्टेन करता है 15 मिनट के लिए या क्लोजिंग देता है तो स्टॉक में है पोटेंशियल जाने के लिए, 165 की जगह ऊपर की खुलती है, तो ट्रेडिंग के लिए ऐसे डेफिनेटली इसमें पोजीशन बना सकते हैं। प्रशांत, एक शेयर आप जल्दी से आप भी देखिए, नोवार्टिस का शेयर है ये, 25 सितंबर को बोर्ड की बैठक है और ये बायबैक पे हो सकता है विचार हो, 820 करोड़ रुपया है इनके पास नकदी का, चलेगा ये शेयर? अच्छा क्लोज करके गया कल। देखिए, कल इसकी अच्छी क्लोजिंग हुई है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर हम इसको थोड़ा सा मोमेंटम में देख सकते हैं, तो लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा 1-2% का नोवार्टिस के अंदर अच्छा जंप आ सकता है। कल इसके अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम और मूवमेंट देखी गई है। ठीक है, अच्छा जंप यहाँ पे आ सकता है। अच्छा जंप आ सकता है। अब वक्त है FII ब्रोकरेज हाउस की रणनीति को जानने के लिए, इसके लिए हमारे साथ है साक्षी बत्रा। साक्षी, आज टाटा स्टील सब ब्रोकरेजेस के रडार पर है। एब्सोल्युटली अनीशा, आपने सही कहा, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी रिपोर्ट्स जारी की हैं जिसमें टाटा स्टील को उन्होंने कवर किया है, और यहाँ पर लक्ष्य भी ऊपर की तरफ सभी ने रिवाइज किया है एक साथ ही। इनफैक्ट CLSA की रिपोर्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने काफ़ी बुलिश टारगेट्स दिए हैं। निवेश की सलाह तो है ही, लेकिन 800 से बढ़ाकर अब उनका नया लक्ष्य 850 हो गया है, जो कि मौजूदा भाव से काफ़ी ऊपर का है। उनका मानना है कि अब जो थिसन ग्रुप के साथ JV है उसके बाद कर्ज में देखा जाएगा 28% तक की कमी हो सकती है FY20 तक। सिनर्जीज बेटर होते हुए नजर आएंगी और उससे अर्निंग्स पर शेयर भी इंप्रूव होगा। एडलवाइस ने भी टाटा स्टील का टारगेट ऊपर की तरफ रिवाइज करके 720 का दिया है। निवेश की सलाह है, कर्ज में तो कमी आएगी ही। उनका साथ ही ये भी मानना है कि मर्जर के बाद यूरोप में एक स्ट्रांग प्रेजेंस हो जाएगी, थिसन ग्रुप मर्जर के बाद एक मजबूत कंपनी बनती हुई नजर आएगी। एक्सेस कैपिटल की बात करें तो इन्होंने भी निवेश की सलाह दी है, 690 से टारगेट्स अब नए बढ़ाकर 765 कर दिए हैं। उनका मानना है कि मर्जर के बाद डोमेस्टिक प्रेजेंस जो है कंपनी की, इंडिया ऑपरेशंस जो है वहां पर दोबारा से फोकस करेगी कंपनी, खासतौर पर ओडिशा प्लांट में भी एक्सपेंशन करती हुई नजर आ सकती है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। आखिरी रिपोर्ट टाटा स्टील पर IDFC सिक्योरिटीज की है, आउट परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने दी है टाटा स्टील पर, लक्ष्य 623 से बढ़ाकर 694 कर दिया है। इनका मानना है जो कर्ज में कटौती होगी, मौजूदा अगर देखा जाए तो कंपनी पर कर्ज या ग्रुप पर कर्ज 69,300 का है, उससे घटकर 49,800 का हो जाएगा।
ठीक है, तो आज टाटा स्टील पे तो ध्यान रखना है, चार चार ब्रोकिंग हाउसेस बता रहे हैं एनालिस्ट हमारे बता रहे हैं, और खबर तो खैर आपको पता ही है जो इन्होंने करार किया है यूरोप के अंदर लेके। टाटा स्टील की मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत की, सुनते हैं उनका व्यू क्या था। तो ये मर्जर के तहत रफली 2.5 बिलियन यूरोस का जो हमारे टोटल कर्ज है यूरोप में, वो ये नया वेंचर में जाएंगे। और हमने ये कोशिश किया है कि नया वेंचर का जो कैपिटल स्ट्रक्चर बैलेंस शीट है वो काफ़ी मजबूत और सस्टेनेबल हो, और ये कैश फ्लोज उनका जो कैश फ्लोज रहेंगे उसको आराम से सर्विस कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे टाटा स्टील को लेकर वैसे भी दोनों गेस्ट हमारे बुलिश हैं, रिपोर्ट्स भी है, मैनेजमेंट भी कह रही है उनको काफ़ी यहाँ पे सेविंग होती हुई दिखेगी। टाटा मोटर्स पे भी आज एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसके अलावा इन सभी शेयर्स पे आज टाटा के हमारे एक एक्सक्लूसिव कवरेज भी देखेंगे। आज हम 10:40 पे आपके सामने रखेंगे कि टाटा ग्रुप के अंदर बस क्या क्या, और हालांकि टाटा की एक गाड़ी भी लॉन्च होगी इसके बारे में भी जानकारी रखने वाले आपके सामने, लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं, जरा साक्षी से वो भी जान लेते हैं पहले। जरा साक्षी बताएं और रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं ये टाटास के अलावा। डिब्बी फार्मा स्पेस भी ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर है। मॉर्गन स्टैनली ने डॉक्टर रेडीज को कवर किया है और ओवरवेट रेटिंग दी है, यहाँ पर लक्ष्य बढ़ाया है ऊपर की तरफ, 2798 से बढ़ाकर अब 3133 के टारगेट्स अपवर्ड की तरफ दे दिए हैं। उनका मानना है FY 19 और 20 की अगर बात करें तो यहाँ पर से नतीजों में डेफिनेटली सुधार देखने को मिलेगा, और US में जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं अगले 4 से 8 क्वार्टर्स के भीतर जितने भी नए लॉन्चेस होंगे उससे भी काफी अपसाइड ट्रिगर्स यहाँ पर प्रोवाइड होते हुए नजर आएंगे। डिविस लेबोरेटरीज पर भी एक्सिस कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, निवेश की सलाह है उनकी, लक्ष्य ऊपर की तरफ रिवाइज किया, 1080 के टारगेट्स वो दे रहे हैं। उनका मानना है रेवेन्यूज में 16% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी और FY 19 में मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे टू द ट्यून ऑफ 2.5%। साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स पर मक्वायरी ने एक रिपोर्ट जारी की है, आउट परफॉर्म की रेटिंग यहां पर दी है, 1933 के टारगेट्स यहां पर वो रेकमेंड कर रहे हैं, खासतौर पर तेलंगाना में प्राइस हाइक की भी उम्मीद कर रहे हैं, और अगर ये प्राइस हाइक होता है तो सीधा सीधा मार्जिन्स में 0.5% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है जो अलग अलग स्टॉक्स पर भी हैं। टाटा पे तो बुलिश है ही वो टाटा स्टील पर, लेकिन ये अलग अलग और शेयर्स भी हैं। इसमें डिविस लैब बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन चाहिए ब्रजेश, डिविस लैब पे आज कैसे मूव रह सकता है? ये स्विंग अच्छा देता है, 5-5, 8-8% का स्विंग मिलता है डाउन में भी और चलते समय भी, जैसे कल करीब 9% ऊपर था। देखिए डिम्पी जी, ऊपर में 1390 से जो इसमें बिकवाली देखने को मिली थी, इट वेंट ऑल द वे डाउन टू 530 एंड फ्रॉम देयर इट हैज मेड अ हायर बॉटम फॉर्मेशन विच इज गिविंग अ बुलिश साइन। नाउ अगर वो ऊपर से 1390 से 530 का अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो लगभग 50% रिट्रेसमेंट वैल्यू आती है 960 के आसपास, और 38.2 की जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट वैल्यू आती है वो 859। मेरा मानना यह है, सिंस 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट वो इंडिकेट करता है 896 के आसपास, तो कोई अगर एग्रेसिव बाइंग करना चाहे तो मौजूदा स्तर पर भी बाइंग कर सकता है, या कोई डिप आता है 930 या उसके नीचे तो डेफिनेटली बाइंग कर सकता है। 915-910 का अच्छा सपोर्ट है, उसका आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। और मेरा मानना यह है शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये मूवमेंट जो है वो बरकरार रहेगा और लगभग 1070 तक ये जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। अगर इंट्राडे की अगर आप बात करते तो मेरा मानना यह है कि 970 जो है मुझे लगता है कि आज अचीव होना चाहिए जिस हिसाब से चार्ट में मूवमेंट दिखा रहा है, एंड इन दैट वे यू शुड कीप अ स्टॉप लॉस 925। ठीक है, 970 पॉसिबल है डिविस पर। प्रशांत, प्राइस कंट्रोल में और भी कुछ ड्रग्स आ गए हैं, आपको लगता है सिप्ला और सन फार्मा पे इस पे कुछ प्रेशर पड़ सकता है? देखिए सन फार्मा के ऊपर, अगर सन फार्मा को मैं देखूं तो पिछले 3-4 दिन से थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन हो रहा है, और तो ये जो प्राइस कंट्रोल की जो खबर है उसको देखते हुए हमें लगता है कि 525 का स्टॉप लॉस लगा के हम इस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ रफली अबाउट 485। तो सन फार्मा के ऊपर कोई हमारा खास पॉजिटिव व्यू नहीं है, और पिछले कई क्वार्टर से हम देखेंगे तो इनके रिजल्ट्स वगैरह के अंदर कोई खास मूवमेंट नहीं है। सिप्ला के अंदर हमारा अवॉइड का व्यू रहेगा फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज टाइम, एंड देन वी विल रीअसेस कि सिप्ला में करना क्या है। ठीक है, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स पे ब्रजेश आप क्या करेंगे आज? अगर आपको मैं बोलूँ कि ट्रेड लेना है हमको यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, तो आज आप बाय करेंगे, सेल करेंगे या ट्रेड लेंगे ही नहीं? सी मैग, अगर हम मैकडॉनल्ड की बात करें या यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें, जिस हिसाब से मोमेंटम दिखाया है चार्ट पे वो तो दर्शाता यही है
कि बने रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि जो वैल्यू है चार्ट के अनुसार वो ये दर्शा रही है कि मेरा मानना ये है कि शॉर्ट टर्म 2630 टिल द स्टॉक इज बीन ट्रेडिंग अबाउट 2600 आई विल से दैट नथिंग इज रॉन्ग इन इट, एनी डिप शुड बी यूज फॉर अ बाइंग पर्पस. अपसाइड अगेन फॉर अ शॉर्ट टर्म 2710 2720 वुड बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. तो ट्रेडिंग बतौर डेफिनेटली बाई करने की सलाह रहेगी, इंट्राडे के लिहाज से अवॉइड कीजिए. ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से ठीक है, अवॉइड आपको करना है, लेकिन इसमें एक किसी भी डिप में एक बार आप इस शेयर को देख सकते हैं. अच्छा, टाटास की बात हो रही है तो आज आपको बता रहे हैं टाटा नेक्सन जो कि एसयूवी है, मोस्ट अवेटेड एसयूवी एक्चुअली टाटा मोटर्स की, वो भी लॉन्च होने जा रही है. और अब ये एसयूवी आपकी तस्वीरें आपके सामने भी हैं, हालांकि ये ब्लू कलर में, इसके अलावा आपको चार कलर और मिल जाएंगे जिसमें आप ये नेक्सन को ले सकते हैं. गाड़ी की जो कीमत है वो 7 से 10 लाख रुपये के बीच है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है निशा, इसके अंदर पता है क्या है कि टाटास ने 3 गाड़ियां लॉन्च करने का सोचा है इसी फेस्टिवल में. ये एसयूवी है, 2 गाड़ियां भी और भी आनी है. अगर ये सक्सेसफुल हो जाती हैं, क्योंकि इनका प्राइस पॉइंट बड़ा अट्रैक्टिव है, 7 से 10 लाख, इको स्पोर्ट्स को टक्कर देगी, फोर्ड की ब्रीजा है उसको टक्कर देनी है. अगर ये चल जाती है इनकी गाड़ी, तो आप समझिए कि टाटा मोटर्स भी एक टर्न अराउंड का कैंडिडेट बन जाएगा, क्योंकि इंडिया में पिछले 1 साल में उन्होंने कोई बड़ी गाड़ी लॉन्च नहीं की है. और अभी 3 गाड़ियां उनके नए लॉन्चेस भी थे, टियागो जो दूसरी लॉन्चेस थे, उनको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला. पर ये हमें याद रखना पड़ेगा कि जब उनकी एसयूवी टाटा सफारी आई थी तो वो ब्लॉकबस्टर थी, तब उस टाइप की कोई कार नहीं थी. पर अब ये जो क्रॉसओवर एसयूवी सेगमेंट है काफी कॉम्पिटिटिव है. आपके पास डस्टर है, ब्रेजा है, इको स्पोर्ट्स है, इट्स नॉट सो इजी, द कॉम्पिटिशन इज क्वाइट टाइट. खैरी बात तो है. ब्रिजेश, आपकी रिकमेंडेशन थी क्या टाटा मोटर्स पे, क्योंकि प्रशांत तो कह रहे हैं टाटा मोटर्स चलेगा, वो कुछ गाड़ियों के वेंचर्स के बारे में बात भी है, मार्केट में बस भी है कि JLR का IPO होगा, ये सब चीजें अपनी तरफ हैं. टाटा मोटर्स पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है? देखिए, वीकली चार्ट में अगर हम देखें टाटा मोटर को, तो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन हो रहे हैं जो कि इंडिकेट तो करते हैं नेगेटिविटी. नो डाउट कि स्टॉक ने पुलबैक दिखाया है, एंड द रीजन वाज दैट कि देयर वाज फॉर्म डबल बॉटम फॉर्मेशन वाज फॉर्म इन ऑन अ ऑक्सिलेटर, सो दैट ओवररूल्ड द प्राइस चार्ट. बट स्टिल एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्राइस इज ऑलवेज अ लीडिंग इंडिकेटर रादर देन द अदर इंडिकेटर्स एंड ऑक्सिलेटर. 425 and 440 would be the level to watch very crucially. अगर लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो 440 के ऊपर जब तक स्टॉक ट्रेड नहीं करता है तब तक तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी. 440 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो मैं ये कहूँगा कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही टर्म में स्टॉक जो है नेगेटिव टेरिटरी से निकल के एक पॉजिटिव टेरिटरी में आया है. अगर मीन रिवर्शन वैल्यू के हिसाब से अगर हम ट्रेड करें तो मेरा तो मानना यही है कि कोई अगर उछाल आता है तो एक बार आप बेचिए स्टॉक को, 425-427 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए, और मुझे लगता है एक बार स्टॉक 400 के लेवल को टच कर सकता है. एंड डाउनसाइड पैनिक सपोर्ट जो है वो 370 का है. एनी हाउ अगर 370 ब्रेक होता है स्टॉक कैन गो ऑल द वे डाउन टू 325. सो आई विल से दैट कि एक बार आप 425 या 427 का स्टॉप लॉस लेके आप एक बार ट्रेड कर सकते हैं फॉर अ सेल साइड एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 400.